सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य का राशि परिवर्तन अब धनु राशि में हो रहा है 16 दिसंबर को प्रातः 3:28 पर। इससे पहले ग्रहों के राजा सूर्य जो है वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे। अब इनका जो प्रवेश धनु राशि में होगा और धनु राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु बृहस्पति हैं, तो इनकी राशि में जो है एक माह के लिए सूर्य का प्रवेश हो रहा है और धनु राशि में आने के बाद फिर 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है तो उस समय को सूर्य की संक्रांति काल कहा जाता है। घरों के राजा है सूर्य। सूर्य का जो है पिता के कारक है, अधिकार आदेश प्रतिष्ठा आत्मनिर्भर कारक ग्रह हैं, ये तेज के कारक कहे गए हैं। यदि कुंडली में सूर्य ग्रह शुभ अवस्था में है तो सभी तरह की परेशानियां व्यक्ति की दूर हो जाती है और उसकी बीमारी सभी तरह की बीमारियां दूर होती है, हड्डी का दर्द खत्म हो जाता है और सरकारी कार्य में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं जो है स्वयं ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये एक अधिकारी ग्रह है। इनके मजबूत होने से जो है उच्च पद मान सम्मान में वृद्धि होती है। राजनीति के क्षेत्र के कारक ग्रह हैं तो राजनीति में भी जो है व्यक्ति को सफलताएं मिलती हैं। सूर्य ग्रह जो है एक राशि में एक माह तक ही संचार करते हैं और धनु राशि जो है इनके मित्र की राशि है गुरु बृहस्पति की, तो इस राशि में काफ़ी अनुकूल परिणाम धनु राशि वालों के लिए रहेंगे। उससे पहले वृश्चिक राशि में थे, तो धनु राशि में आने के बाद इनके क्या परिणाम रहेंगे आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य ग्रह जो है सिंह राशि के स्वामी हैं, ये मेष राशि में उच्च के और तुला में नीच के कहे गए हैं। मेष राशि वालों के लिए बेहद अच्छे परिणाम देते हैं और सूर्य जो सिंह राशि के स्वामी हैं, इनका अग्नि तत्व है तो सिंह राशि के स्वामी है तो सिंह राशि के लिए भी बहुत फायदे करते हैं। तो आज धनु राशि में जो है जब आएंगे तो इनके धनु राशि वालों के लिए आत्मविश्वास इनका काफ़ी बढ़ा रहेगा। इस समय की जो स्थिति रहेगी वो काफ़ी परोपकारी रहेगी, आप सहयोग करेंगे, किसी की मदद करने के आप काम आएंगे इस दौरान और काफ़ी आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा। कहीं नौकरी को लेकर आपकी कोई समस्या जो आ रही थी वो सभी तरह की समस्याएं आपकी अब दूर हो जाएगी और आपके जो है कार्य में सफलता मिलेगी, क्योंकि धनु राशि वाले जो अपनी कार्य को लेकर अभी परेशान हो रहे थे वो समस्या अब आपकी समाप्त होने वाली है। और इस दौरान लग रहा है मुझे कि आपकी नौकरी में भी आर्थिक तरक्की होगी, कोई नया अवसर आपको जो है पदोन्नति के लिए मिल सकता है। यदि कहीं आपने अपना रिज्यूम दिया हुआ है, कहीं नौकरी आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आपका कार्य बन सकता है। और ये समय जो है आपके व्यापार के लिए भी बहुत अनुकूल रहेगा। इस दौरान जो है आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे, रिजल्ट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि व्यापार यदि आप कोई शुरू कर रहे हैं तो व्यापार के लिए तो धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रबंधन क्षमता जो है आपकी काफ़ी मजबूत रहेगी। इस समय जो आप फैसले ले गए वो फैसले आपके हित में रहेंगे, आपके द्वारा बनाई गई योजना भी सफल होगी और समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। एक माह का जो ये समय धनु राशि वालों के लिए है ये आपके लिए काफ़ी अनुकूल परिणाम देगा। आपके जो अभी तक रुके हुए कार्य थे वे सभी कार्य जो है आपके बन जाएंगे और व्यापार यदि आप कोई शुरू कर रहे हो सकता है पिता का कोई व्यापार आपको मिल जाए, यदि पिता का व्यापार मिलता है तो भी ठीक है, और यदि कोई नया व्यापार इस दौरान आप शुरू करते हैं तो ये भी आपके लिए सफल रहेगा, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए अब तरक्की का समय आ गया है। और इस महीने जो है आप काम को लेकर भी काफ़ी व्यस्त नजर आएंगे, मगर आपके द्वारा किए गए सभी कार्य जो है शुभ परिणाम देंगे। आपके द्वारा किए गए कार्य में जो है आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा और पारिवारिक जीवन भी जो है आपका सुखद बना रहेगा। इस दौरान आप कई तरह की सफलताएं अर्जित करेंगे, क्योंकि ये जो सूर्य का गोचर एक माह के लिए है धनु राशि वालों के लिए ये बहुत अनुकूल परिणाम देगा। तो ये समय जो धनु राशि वालों के लिए है ये बहुत उत्तम समय है, इसका जो है भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो ये था सूर्य राशि परिवर्तन का राशिफल। हमारी और वीडियो आगे भी ऐसी आती रहेगी, आप हमारी वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी कर दें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं
तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।